तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हो गई है 12 अगस्त एंड हॉलीवुड पे लाइव टेस्ट जो है वो एक लाइव चल रहा है टीयर टू के लिए. सो उसको अटेम्प्ट कर लो. उसकी वीडियो कल को यानी संडे को शाम को आ जाएगी. सो इस वीडियो में पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में काफी लोग वीडियो को देखते नहीं है ना, और फिर कमेंट में पूछते हैं कि सोर्सेज हैं वो क्या है. एक्चुअली इंग्लिश जो है वो ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को उठाओ, प्लिंथ टू पैरामाउंट उस बुक का नाम है, एंड ब्लैक बुक उठाओ, वोकैब के लिए पीडीएफ पढ़ो. इंग्लिश माध्यम का पीडीएफ आता है टेलीग्राम पे. यूट्यूब के लेक्चर्स देखो एंड मॉक्स को सोल्व करो. ज्यादातर काम मॉक्स से ही हो जाएगा, ठीक है. जीके के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, परमार एसएससी लेक्चर देख सकते हो, लूसेंट पढ़ो अगर टाइम है तो, एंड मॉक्स को सोल्व करो. काफी कुछ मॉक्स से निकल आएगा. मॉक्स में जो कंसेप्ट आता है स्टैटिक का, उस कंसेप्ट को बुक से प्रिपेयर कर लो. मैथ्स के लिए अभिषेक ओझा यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो, पिने के लिए किरण की बुक से सोल्व करो एंड मॉक्स लगाओ, ठीक है. रीजनिंग के लिए कोई यूट्यूब चैनल देखो, कोई बुक होगी आपके पास उसमें से देखो, सोल्व करो. पीवाईक्यूज लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जो अभी मॉक्स चल रहे हैं उनसे देखो क्या कुछ जो कंसेप्ट है एंड कहाँ तक आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज द चैनल. जो पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो, अगर नहीं मूड है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं. दिस इज GS लेक्चर नंबर 3 ऑफ टीयर 2 जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अभी. आज का कंटेंट है फॉरेन इन्वेडर्स, मौर्यंस एंड प्री मौर्यंस. सो हम पढ़ चुके हैं मगधन एम्पायर अप टू द नंदाज, जो नंद वंश था, नंद वंश तक हम पढ़ चुके हैं. और अभी शुरू करते हैं बात फॉरेन इन्वेडर्स से, क्योंकि ये मौर्यन साम्राज्य के शुरुआत से पहले की बात है, ठीक है. साइरस 530 BC में आए थे, उसके बाद डेरियस आते हैं 519 में, जिन्होंने गांधार को 20वें सेट्रपी के रूप में बनाया था. एंड इट वॉज द मोस्ट प्रॉस्परस एंड मोस्ट वेल्दीएस्ट द वेल्दीएस्ट सेट्रपी ऑफ हिज किंगडम. उन्होंने स्काइलेक्स को ऑर्डर दिया था एक नेवल एक्सपेडिशन के लिए, जिसका जो वर्णन है वो हमें हेरोडोटस की बुक में मिलता है. हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है, सो ये नोट कर लो आप. जेरजेक्स ने इंडियन आर्मी को ग्रीक के बैटल्स में लड़ने के लिए पहली बार नियुक्त किया था, ठीक है. उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर 326 BC में, जो कि मैसिडोनिया के किंग फिलिप के बेटे थे. 32 साल की एक यंग एज में इनकी डेथ हो जाती है, और इनका मकसद था दुनिया को जीतना. सो उस टाइम की ज्योग्राफी की नॉलेज के हिसाब से ऐसा माना जाता था कि इंडिया के ईस्ट साइड में पानी है, यानी कि उसके बाद में धरती नहीं है. सो अलेक्जेंडर ये मानते थे कि अगर इंडिया को जीत लिया तो पूरी दुनिया को एक तरह से वो जीत जाएंगे. मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा, ठीक है. क्योंकि काफी बड़े हिस्से को, यूरोप के काफी हिस्से को वो ऑलरेडी जीत चुके थे, ठीक है. 326 BC में वो अटैक करते हैं पोरस के साम्राज्य पे. कांधार के एंड कम्बोज के राजाओं ने इनको बुलाया था, अलेक्जेंडर को बुलाया था हमला करने के लिए, ठीक है. उस तरफ के जो अम्बी के एंड अम्बी कम्बोज एंड कांधार के जो एरिया थे वो बटे हुए थे छोटे छोटे साम्राज्यों में, तो वहां पे एकता की कमी थी. इसलिए जितने भी ये राजा थे और अलेक्जेंडर जैसे राजा, वो हमला कर पाए आसानी से, ठीक है. पोरस को हिडेस्पस नदी यानी झेलम नदी के तट पे अलेक्जेंडर ने ऐसा माना जाता है कि हराया. पोरस ने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था युद्ध में, उससे पहले अलेक्जेंडर की सेना ने हाथी नहीं देखे थे, ठीक है. और उसके बाद उनकी सेना मना कर गई, बोली हम आगे नहीं जाएंगे, हम थके हुए हैं, हमको घर वापस जाना है. अलेक्जेंडर जो है अपने सैनिकों के साथ में वापस आ गए, और 323 BC में बेबीलोन में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है, लंबी बीमारी के चलते हुए ऐसा कुछ था. एक्चुअली जो मैं वजह मानता हूँ, काफी हिस्टोरियन और भी मानते हैं, ठीक है, वो ये मानते हैं कि आगे मगधन एम्पायर खड़ा था एंड उसकी स्ट्रेंथ से डरते हुए जो है वो अलेक्जेंडर की सेना ने आगे कदम नहीं बढ़ाया. क्योंकि जब एक छोटे से राजा ने, किंग पोरस ने उनको इतनी टक्कर दे दी, तो मगध तो भाई कच्चा खा जाएगी फिर वो, तो है ना, ऐसी आर्मी थी. बात तो सही है. सो ऐसा बोला जाता है कि लगभग 1.5 लाख की सेना थी उनकी मगधन एम्पायर में. सो 12 मैसिव पिलर जो है वो ब्यास नदी के तट पे खड़े करवाए थे अलेक्जेंडर ने, टू मार्क द एडवांसमेंट, द फार्थेस्ट पॉइंट ऑफ हिज एडवांस, ठीक है. अलेक्जेंडर का एक सेनापति होता था सेलिपियस निकेटर, जिसका बाद में अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध होता है. तो अभी देखते हैं मौर्यंस को. सो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक 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 ऐसा लड़का जिसको एक पंडित ने, एक शिक्षित ब्राह्मण ने
एक राजा बनाया। सो चाणक्य, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही बंदे के नाम है। ऐसे एक अर्थशास्त्री तो क्या ही बोले, खैर स्ट्रेटेजिस्ट थे वो, ठीक है। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी थी, वो सेना के बारे में, सेनापति के, किंगडम के, इन सब चीजों के बारे में काफी वास्ट नॉलेज रखते थे और कुटिल नीति के जो है वो ज्ञाता थे। मतलब साम दाम दंड भेद सारी की सारी नीतियां वो अपनाते थे, ठीक है, किसी को कैसा भी करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बिंदुसार को बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू किया था। वो ये मानते थे कि किंग को जहर दे के नहीं मारा जा सकता, ऐसा बना हो राजा को शुरू में ही। तो बिंदुसार को बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू किया ताकि जब यह बड़ा हो और कोई इसके खाने में जहर मिला के इसको मारने की कोशिश करे तो जहर का इससे इसके ऊपर असर हो ही ना, क्योंकि जहर की काट तो है इसके शरीर में ऑलरेडी। अभी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लो एक बार। आर एस शास्त्री ने 1904 में खोजा था इस मैन्युस्क्रिप्ट को एंड 15 बुक्स हैं, 180 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। सो चाणक्य जो थे वो धनानंद से थोड़े से गुस्सा थे एंड धनानंद को उन्होंने बोल दिया था कि मैं नंद वंश का नाश करके रहूंगा वगैरह वगैरह, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने तख्ता पलट कर दिया 322 बीसी में धनानंद को मार के। अकल नानुरु एंड मामूल लनार ने चंद्रगुप्त को साउथ की विजयों के बारे में, चंद्रगुप्त की साउथ विजयों के बारे में लिखा है, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर जो कि मेगास्थनीज जिनका नाम है, जिन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, वो भेजे गए थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त के कोर्ट में। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर की लड़की के साथ में चंद्रगुप्त की शादी हुई थी, जिसके बदले में उन्होंने आई थिंक 60 हाथी दिए थे, ठीक है। ये अपने लास्ट टाइम में चंद्रगिरी हिल्स में चले गए थे श्रवण बेलगोला में, जिसको हमने जैनिज्म में पढ़ा भी था, ठीक है, भद्रबाहु के साथ में। और वहां पे इन्होंने जैन धर्म की जो एक प्रथा होती है कि खाने को इतना कम कर दो कि आप लास्ट टाइम में मर जाओ, ठीक है, मतलब खाने की कमी से। सो मौत, मृत्यु प्राप्ति का एक ये भी रास्ता होता है। सो चंद्रगुप्त जो थे वो सिंपल सा दिखाई दे रहा है इधर, जैनिज्म से प्रभावित थे, जैनिज्म को पैटर्नाइज भी करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बिंदुसार मौर्य। ये कोई मतलब बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं थे, लेकिन इनका काफी कुछ रोल रहा है। इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था। आजीविका सेक्ट से मतलब है एक ऐसा सेक्ट जो नियति के ऊपर विश्वास करता था, जो ये मानता था कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, ठीक है, उसको टाला नहीं जा सकता है। इनको अमित्रघात या एमिट्रोकेटस बोला जाता था। उसके बाद है अशोका। सो इनके बेटे हैं अशोका एंड इन्होंने कलिंग को कन्क्वेस्ट किया, कलिंग को जीता। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था, ठीक है। 100वें भाई जो थे उनके मोगलीपुत्र तिस्सा, उसको उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो कोई बड़ी थ्रेट नहीं थे। और इनका साथ दिया था बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त ने, ठीक है। ये ऑफिशियली थ्रोन पे बैठे थे 269 बीसी में और 273 बीसी से इनका संघर्ष शुरू हो गया था, ठीक है। 4 साल लगे थे इनको गद्दी लेने में। अभी अशोक के नाम और सोर्स देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक नाम, जो कि मस्की कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा रुद्रदमन वाला देख लो। रुद्रदमन एक शक रूलर थे और ये काफी जरूरी है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये क्यों है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। इसमें देखो, अभी असंधिमित्ता, कौरवाकी, पद्मावती एंड देवी। असंधिमित्ता अशोक की बीवी है, कौरवाकी अशोक की बीवी है, पद्मावती भी अशोक की बीवी है, लेकिन देवी जो है वो अशोक की प्रेमिका थी जिनको वो पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए थे। सो अशोका की भी एक फेल्ड लव स्टोरी थी। अभी यहाँ पे आते हैं, यह है अशोका। अशोक के 13वें रॉक एडिक्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसमें कलिंग वॉर की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। ध्यान रखना कि अशोक का धम्म और गौतम बुद्ध का धम्म दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अशोक का धम्म जो है वो थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है। वो बोलता है कि यार ज्यादा मतलब अहिंसा ना करो, आराम से रहो, शांति से रहो। एक राजा जो बोलना चाहता है ना, एक राजा जो सिंपल संदेश देना चाहता है, वो संदेश था, ठीक है। और इन्होंने इस काम के लिए धम्म महामत नाम से अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी और अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। इसका मेंशन हमको मिलता है दीप वंश एंड महावंश नाम के दो टेक्स्ट में, जो कि बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इस पे। सो लेटर मौर्यंस की बात करते हैं। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसमें काफी कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि राजू का जरूरी है। राजू का वो है जो आज का आईएएस होता है, ठीक है, रेवेन्यू सेटलमेंट वगैरह काम देखता है ये सब। सो
लेटर मॉरियंस में क्या हुआ कि अशोका ने राज्य को ईस्टर्न वेस्टर्न दो हिस्सों में बांट दिया। वेस्टर्न हिस्से पे कुणाल ने शासन चलाया, उसके बाद में संप्राती आ गए, ईस्टर्न पे दशरथ थे, लास्ट रूलर जो थे वो थे बृहद्रथ। एंड बृहद्रथ को उनके कमांडर ने यानी पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में मार दिया था, खत्म। ठीक है, अभी देखो कौटिल्य ने जो वो 7 एलिमेंट बताए हैं स्टेट के, राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोश एंड सेना। ठीक है, ये 7 जितने स्ट्रांग होंगे एक राज्य उतना ही स्ट्रांग बनेगा। मौर्यन पीरियड के बारे में एक और बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, वो बुक विशाखदत्त ने लिखी थी, लेकिन वो गुप्ता टाइम्स, गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। का जो टॉपिक था वो था कि कैसे एक ब्राह्मण ने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने राक्षस की मदद से, राक्षस यानी जो नंद वंश में जो एक सेनापति होता था वो, उसकी मदद से कैसे तत्तापलट करवाया था। ठीक है, ये सब डिटेल उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी रो कैरेक्ट और उनका कंटेंट क्या था। 13वां मेन है, 13वें को याद करो। ठीक है, कलिंग वॉर था, 5 कंटेम्पररी ग्रीक किंग्स की भी इंफॉर्मेशन देता है, इसको पढ़ लेना एक बार ध्यान से। ठीक है, और ये देख लेना एक बार बॉडी को। उसके बाद शुंग, सो पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में बृहद्रथ को मारा और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग एक स्टॉन्च ब्राह्मण था, यानी कि एक कट्टर ब्राह्मण था, एंड उसने काफी यज्ञ किए, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब, और बुद्धिस्ट संस्थाओं को, चैत्य को, विहार को, स्तूपों को नष्ट करवाया। फॉर एग्जाम्पल बरहुत का स्तूप एंड सांची का स्तूप शुंग ने तुड़वाए थे, पुष्यमित्र शुंग ने। उनके बेटे होते हैं फिर, बेटे का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र एक फेमस ग्रंथ, एक फेमस ग्रंथ क्या बोले, एक फेमस काव्य मालविका अग्निमित्र के मुख्य पात्र है, नायक हैं। थोड़े से टॉलरेंट थे बुद्धिज्म के प्रति, बुद्धिस्ट लोगों के प्रति, उन्होंने सांची के स्तूप को रिपेयर करवाया था। ठीक है, सो पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को हराया था। ये इनकी वंशावली में 5वां जो राजा था भागभद्र, उसके कोर्ट को हेलियोडोरस ने विजिट किया था। हेलियोडोरस ने फिर विष्णु के सम्मान में एक पिलर स्थापित करवाया था विदिशा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनके कोर्ट में पतंजलि था जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। उसके बाद देवभूति इनके लास्ट रूलर थे, जिसको वासुदेव कर्ण ने 73 बीसी में मार दिया था। ठीक है, तो ये सेनापति द्वारा मर्डर किए जाने की जो परंपरा है ये चल रही है अभी। कर्ण, वासुदेव कर्ण ने स्थापना की, 5 सालों तक चला, लास्ट रूलर सुसरमन था और 7वाहनों ने या आंद्राज जिनको बोला जाता उन्होंने इनको ओवरथ्रोन किया था। इनके ही कंटेम्प्रेरी में एक और वंश आता है जिसको बोलते हैं चेदी। चेदियों में फेमस है हाथीकुंफा इंस्क्रिप्शन, जो कि किंग खारवेल ने लिखा था, करवाया था, मतलब इंस्क्रिप्शन बनवाया था। ये 3रे राजा थे अपनी डायनेस्टी के। ठीक है, गोदावरी रिवर के बियॉन्ड इनका साम्राज्य था और उदयगिरी केव्स इन्होंने जैन मुनियों के लिए बनवाई थी। सो इतनी ही इंफॉर्मेशन चेदियों के बारे में याद रखनी है, खासकर हाथीकुंफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 7वाहन, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी और ये 300 सालों तक साम्राज्य चलता है। हालांकि मत्स्य पुराण बोलता है कि 460 सालों तक चलता है, लेकिन वायु पुराण बोलता है कि 300 सालों तक चलता है। ठीक है, इनकी कैपिटल पैथान या फिर प्रतिस्थान में थी। शक इनके सबसे बड़े राइवल होते थे, शत्रु थे। ये ब्राह्मण तो थे लेकिन बुद्धिज्म को एनकरेज इन्होंने किया है। ठीक है, मोस्ट फेमस जो किंग है वो है गौतमी पुत्र सत्कर्णी, और इनकी माता बालाश्री गौतमी ने नासिक में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है अपने बेटे की जो अचीवमेंट्स हैं उनको व्यक्तित करने के लिए, उनको मतलब उनका ब्यौरा देने के लिए। ठीक है, और गौतमी पुत्र सत्कर्णी के बेटे का नाम था वैशिष्ठी पुत्र पुलमई। तो एक बात तो साफ है कि मैट्रिलिनियल चीजें फॉलो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे माता का नाम साथ में आ रहा है। ओके, सो लेडीज के हाथ में पावर थे। हाल एक राजा थे जिन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में गाथा सप्तसती 700 श्लोक की एक टेक्स्ट उसका निर्माण किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अभी थोड़े विदेशी बंदे जो इंडिया में आए, मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर था वो थोड़ा सा वीक होता था इंडिया का, क्योंकि वहां पे हिंदू कुश माउंटेन्स में और बोलन पास की तरफ में पासेज काफी ज्यादा बने हुए हैं, वहां पे हमला करना आसान है और इतनी ज्यादा यूनिटी थी नहीं। मौर्यंस के टाइम में जाके पहली बार एक नेशनल यूनिटी देखने को मिली थी, लेकिन मौर्यंस के जाने के बाद वो भी थोड़ी खत्म हो गई।
अंटिल गुप्ताज, जब तक गुप्त नहीं आए थे। सो इंडो ग्रीक को देखो, 200 BC में इंडो ग्रीक का हमला होता है। हमला तो क्या मतलब, निकाले गए थे और इंडिया में आते हैं। डेमेट्रियस एक फेमस किंग है, उसके बाद मेनेंडर, जिनको मिलिंद बोला जाता है, और मिलिंद पनहो नाम से एक टेक्स्ट है जिसको नागसेन और राजा मिलिंद की बातचीत के रूप में देखा जाता है। इन्होंने मिलिट्री गवर्नरशिप शुरू की थी। पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मौर्याज क्या करते थे, मौर्याज अपने बेटे को एक अपने प्रांत का कमांडर या गवर्नर नियुक्त करते थे। लेकिन इंडो ग्रीक्स ने क्या शुरू किया, उन्होंने अपनी सेना में से ही किसी बंदे को गवर्नर बनाना शुरू किया। सो इन्होंने थोड़ी सी जो नेपोटिज्म वाली चीज है उसको दरकिनार करके और सेना में से लायक बंदे को उठाना शुरू किया। उसके बाद आते हैं शक, सिथियन बोला जाता है, जिनको 5 ब्रांचेस थी, क्षत्रप्स के नाम से जाना जाता था। 57 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हराया था इनको, और तब से विक्रम संवत शुरू होता है। ये वही शक हैं जिनकी दुश्मनी थी सातवाहना से, ठीक है। रुद्रदमन जो कि प्रोमिनेंट एक शक रूलर थे, उन्होंने सुदर्शन लेक को ठीक करवाया था, रिस्टोर करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, और इसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में भी लिखवाया था। सो ये वही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, यही रुद्रदमन है जिनका हमने पहले पढ़ा था, कहाँ पे, यहाँ पे, जहां अशोक मौर्य का नाम दिखाई देता है, रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, शकों के बाद में आते हैं पार्थियंस। पार्थियंस जो थे वो इतना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहे थे, ना ही बहुत ज्यादा उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, पर थोड़ी डिटेल लिखी है, इसको पढ़ लो। सेंट थॉमस आए थे कोंडोफर्नीस के टाइम पे, उसको क्रिश्चियनिटी में तब्दील करवाया था, ठीक है। फिर आते हैं कुषाण, ये जरूरी है, इसमें सबसे जरूरी है तो वीमा कडफिसिस, जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू करने शुरू किए। उसके बाद में कनिष्क, जिन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित करवाया कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और कनिष्क जो थे वो सिल्क रूट का काफी बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्रोल करते थे, एंड इसी वजह से उन्होंने सोने के सिक्कों को भारी मात्रा में छपवाया, मतलब मिंट करवाना शुरू किया। एंड यही थे जिन्होंने गांधार स्कूल आर्ट को भी पैटर्नाइज किया, गांधार स्कूल आर्ट के नाम से एक कंप्लीट एक अलग सी आर्ट निकाल के लेके आए, जिसमें इंडो एंड इंडो ग्रीक्स जो एलिमेंट्स थे उनको कंपाइल करना शुरू किया, ठीक है। जैसे ड्रेपरी, थोड़ा और जीवित चेहरा दिखाना बुद्ध का, एंड काफी कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाना। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था आपको पता ही है, महायान और हीनयान में बुद्धिज्म जो है वो टूट गया था, ठीक है। इन्होंने किस किस को पैटर्नाइज किया ये यहाँ पे पढ़ लो। एक मेडिसिन के फील्ड में फेमस नाम है चरक का, चरक को किया। इन्होंने अश्वघोष को किया जो बुद्ध चरित और सूत्र अलंकार के लेखक हैं, और नागार्जुन को किया जो माध्यमिक सूत्र के लेखक हैं। सिल्क रूट को कंट्रोल किया, और शक एरा जो है वो 78 AD में इन्होंने शुरू की थी। एक विक्रम संवत था, एक शक संवत था, ठीक है। शक एरा और विक्रम एरा, इन दोनों को याद रखना। वो 57 BC था, ये 78 AD है, ठीक है। सो ये हमारा मॉक का शेड्यूल आप देख लो। 10 तारीख को जो मॉक था, जो मैंने 11 को दिया था मॉक टेस्ट नंबर 6, वो जा चुका है। और 13 तारीख को हॉलीवुड का लाइव देना है, उसके बाद में 15 तारीख को टेस्ट बुक का टेस्ट नंबर 7 वो देंगे, ठीक है। सो इसको ध्यान कर लो। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को शाम को, बाय फॉर नाउ।